बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और उन्होंने कहा हम इसको देखेंगे और सारे लिंक्स और जो भी हमने प्रूफ दिए हैं उसको देखने के बाद और उस पर एक्शन लेंगे और हम आई होप कि वो जल्द होगा क्योंकि ये केस आमिर का नहीं है खाली। मैं ज़ाती तौर पर यहाँ अगर खड़ी हूँ तो जाहिर है कि ये हुआ कि वो फादर थे, मेरे एक्स हस्बैंड थे, लेकिन वो एक उस टाइम के एक सिटिंग MNA थे, एक रिनाउंड एक ब्रॉडकास्टर थे पाकिस्तान के, एक नाम है, और जिस तकलीफ़ में, जिस डिप्रेशन में वो दुनिया से गए हैं और जो तकलीफ उन्हें दी गई इनकी, उन्होंने शादी की थी घर बसाने के, पर ये कि उन्हें नहीं पता था कि ये शादी नहीं एक डील थी और जिसमें 4 महीने के अंदर शादी होती है जनवरी या फरवरी में और 4 महीने के अंदर उनका पूरा बैंक खाली हो जाता है, उनके पास कुछ बचता नहीं है, यहाँ तक कि ये टाइम आ जाता है कि उनको लोगों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। ये सारे प्रूफ भी मेरे पास मौजूद हैं, वो लोगों ने खुद आके मुझे बोले हैं। और उसके उससे पहले जब खुला दायर करते हैं तो इनकी वालदा साहिबा और दादियाँ साहिबा खुद ये कहती हैं, ये प्रूफ भी हमने लगाए हैं जिसमें वो ये कह रही हैं कि हमें आमिर से सिर्फ डिवोर्स चाहिए, खुला चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हम 1 रुपया भी इनसे लें तो हराम है। ये वर्ड्स उनके मौजूद हैं, उन सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने इंटरव्यूज़ लिए, चैनल्स ने इंटरव्यूज़ दिए, वो सारे मौजूद हैं, वो हमने लगाए। पर जैसे ही आमिर की डेथ होती है तो सडनली वो बहुत ही मोहब्बत करने वाली एक बीवी अपने आप को शो करती हैं और कहती है मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। और फिर हम जब यहाँ से लॉयर भेजते हैं खुला के केस के जवाब में, जो कि आमिर ने लिख दिया था और खुला एक्सेप्ट कर ली थी लीगली, तो ज़ाहिर है कि उसने केस विड्रॉ कर लिया। और जब हमारा लॉयर यहाँ से गया तो उन्होंने केस विड्रॉ किया, इसलिए हमारा जवाब, हमारा नहीं आमिर का जवाब दाखिल नहीं हो सका। पर रिलीजियसली ये खुला हो चुकी, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक एक वाक़या मौजूद है जो मैंने उसमें कोट भी किया है, हज़रत साबित बिन कैस का वाक़या है कि जब एक औरत खुला मांगती है, मुतालबा करती है और सामने वाला हस्बैंड जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो दैन खुला हो गई, वर्बली हो चाहे उनका पूरा स्टेटमेंट मौजूद है जो उन्होंने वकील साहब को लिखवाया था, उनके वकालतनामे पे साइन मौजूद है। तो रिलीजियसली शी इज़ नॉट आमिर अहमद वाइफ, जो अपने आप को वो क्लेम कर रही है बेवा, तो ठीक है उसके लिए भी मैं एक अलग ग्राउंड पर अलग वो करूँगी। पर ये कि मैं ये सीधा मीडिया के सामने लाना चाहती हूँ कि इस वक्त जो वो बेवा होने का वो कर रही है, तो आमिर क्योंकि ये खुला एक्सेप्ट कर चुके थे ऑडियो में भी किसी से बात करते हुए, और ये जो खातून कह रही हैं उनकी वालदा सलमा साहिबा कि हम सुलह के लिए, तो हाँ आमिर के जो वीडियोज़ हैं जिसमें आमिर सुलह की बात करें वो भी ऑडियो हमारे पास प्रूफ हमने लगाया है, सॉरी, जिसमें आमिर ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ ये जवाब बाद में दाखिल करूँ, मैं चाहता हूँ ये वापस आए और मैं इससे उगलवाऊँ कि तुमने किसके कहने पे ये सब कुछ किया। तो इट वाज़ अ ट्रैप, ये सिर्फ एक ट्रैप था, ये सुलह नहीं थी। आमिर की ऑडियो हमने लगाई है, उसमें आमिर चाहते थे ये वापस आए और आमिर को लगता था इसके पीछे कुछ हाथ है। जिम्मेदार किसे करार देती है आमिर लियाकत साहब की मौत? देखिए मौत का आप अगर मैं जो हमने क्योंकि अभी पोस्टमार्टम वाला इशू उठा था, अच्छा खासा वो केस क्लोज हो जाता, सारी चीज़ें मौजूद थी, हाई कोर्ट ने स्टे लिया और क्योंकि अब्दुल अहद साहब जो पिटिशनर हैं उनके ग्राउंड इतने वैलिड नहीं थे, उनका केस वीक हो गया था, केस क्लोज हो जाता, तो उन्होंने क्या किया कि दानिया को कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर उनकी वालदा को बुला लिया और उसमें उनको लीगल एयर की हैसियत से ऐड करवा दिया ताकि केस स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ 2 लीगल एयर्स यहाँ आ गए और एक यहाँ। मानती हूँ आप अगर आमिर लियाकत के इतने होते तो आपने केस विड्रॉ उनकी लाइफ में क्यों नहीं किया? अगर तो सुलह होने वाली थी तो केस विड्रॉ लाइफ में क्यों नहीं किया गया? जब आपकी सुलह की बात चल रही है तो आप कोर्ट जाती हैं, कहती मैं केस वापस ले रही हूँ, पर डेथ होती है तो आप कहती हैं मैं केस विड्रॉ कर रही हूँ। जो वीडियोस वायरल हुई हैं आप समझती हैं वही मौत की वजह बनी है? बिल्कुल, डिप्रेशन। देखें आप अगर थोड़ा सा, क्योंकि इतना टाइम शायद आप लोगों के पास नहीं है कि आप बात पूरी समझ सकें, आमिर की जितनी वीडियोज़ हैं, खुद हमारे जितने लोग हैं जो उनके फैंस हैं सब बोल रहे हैं, सब लिख रहे हैं, इंक्लूडिंग मीडिया, तब से लेके day 1 से कि आमिर की मौत की जिम्मेदार ये औरत है। क्यों है सबको पता है, क्योंकि आमिर एक ऐसी शख्सियत थे चाहे सही बोले चाहे गलत बोले पर वो डट के मुकाबला करते थे, वो फाइट करते थे, वो फाइटर थे, वो फाइट करते थे, गलत हो सही हो, कॉन्ट्रोवर्सीज़ कितनी उनकी लाइफ में आई पर वो कभी टूटे नहीं।
ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने उनको तोड़ दिया था, और ऐसा तोड़ा था कि आमिर के ड्राइवर से जब मेरी बात होती है मुमताज़ से अभी उनके इंतकाल के बाद, कि मैंने पूछा मुमताज़ आमिर तो बाई रोड सफ़र से चिढ़ते थे बहुत ज़्यादा, वो बाई एयर सफ़र करते थे, पर ये बार बार तुम लोग इस्लामाबाद कराची बाई रोड क्यों आते जाते थे? उसने कहा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है सुनकर, उसने कहा कि बाजी इस वीडियो के रिलीज़ होने के बाद से ना वो रोते थे बहुत, वो कहते थे मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता। अब आप सोचिए कि एक इंसान जो पब्लिक पर्सन हो कितना अंदर से वो तकलीफ़ में आया होगा। ये केस आमिर लियाकत का केस नहीं है, ये केस हर उस मर्द का केस है, क्योंकि इज़्ज़त सिर्फ औरत की नहीं होती, इज़्ज़त मर्द की भी होती है। ये केस हर उस मर्द का केस है जो आने वाले किसी भी आमिर लियाकत को इस तरह से कोई भी औरत ट्रैप करे पैसों के लिए, और फिर ये केस उन मियाँ उस मियाँ बीवी का जो तकद्दस है ना, जो रिश्ते का तकद्दस है, उसको पामाल किया गया। आगे कोई भी शौहर अपनी बीवी के साथ एक कमरे में किसी भी तरह की हालत में रहने में डरेगा, कि सोचेगा अपनी बीवी के साथ कि कहीं दानिया जैसी और भी तो औरतें हों। तो ये केस को एक मिसाल बनना चाहिए, इसलिए नहीं कि सिर्फ आमिर की बात है, ये आने वाले और 100 आमिर लियाकत बच सके। पोस्टमार्टम के हवाले से बता दीजिएगा आप, उसके रजामंदी नहीं है आपकी पोस्टमार्टम में, वजह क्या है? क्या वजह यही थी, क्योंकि दो बार एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो चुका था। पुलिस सर्जन सुमैया साहिबा, डॉक्टर सुमैया साहिबा ने हमें डे वन ही क्लियर कर दिया था। हमने एक दिन का टाइम लिया था कि हमने सर्द खाने में रखवाया था, क्योंकि अहमद को आना था यूके से, तो अगली मॉर्निंग पहुंचना था। तो हमने उन्होंने कहा था कि आप पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, अहमद आ जाए तो, तब भी हमने अहमद से फ़ोन पे पूछ लिया था। तो उन्होंने कहा ठीक है हम वेट कर लेते, इतना नॉर्मल था सब। उन्होंने कहा आप सर्द खाने में शिफ्ट करवा दीजिए, हमने छीपा में आमिर की बॉडी शिफ्ट करवा दी। ठीक, ये सारा कुछ होने के बाद नेक्स्ट डे हम जब पहुँचते हैं सर छिपा के वहाँ पर गुसल के लिए, क्योंकि अहमद आ चुके थे, तो हमें पता लगता है वहाँ पुलिस बैठी हुई है। और थ्रू आउट, क्योंकि मैंने ट्वीट कर दिया था कि हम नमाज जनाजा जुमे का टाइम जुमा रखा था हमने, पर वो होते होते उन लोगों ने इतना प्रेशराइज़ किया कि होना है। मैंने कहा जब कल बॉडी के लिए आपने खुद कहा, कई लोग उसके गवाह भी हैं, खुद पुलिस गवाह है, उसके साथ हमारे और भी कई लोग गवाह हैं जिन्होंने ये कहा था, तो उन्होंने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करके लिख दिया था कि कोई ऐसी बज़ाहिर कोई नो फ्रैक्चर्स, नो इंजरी, नथिंग, जो शवाहिद चाहिए होते हैं। जाहिर है कि अगर मर्डर है तो कोई, अगर किसी वेपन के थ्रू है तो वहाँ वो भी चीज़ पता लगेगी, बॉडी पे कुछ कोई निशान कोई चीज़ तो होती। अहमद ने खुद गुस्ल दिया, अहमद के अलावा भी हमारे कुछ और लोग, उस थ्रू आउट उन्होंने देखा कि बॉडी बिल्कुल एक, जाहिर है जो थोड़े से चेंजेस सर खाने में रखने के बाद आते हैं वो आए, पर उसके अलावा जैसे बॉडी पे कोई इंजरी या कोई निशान कोई कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर डॉक्टर ने बस एक जिद पकड़ी हुई थी, आई डोंट नो किसके प्रेशर पर, मैं आपको कॉज ऑफ डेथ नहीं लिख के दूँ, बावजूद इसके कि मैंने कहा मुझे नहीं पता आपकी क्या जिद है इसके पीछे या क्या कौन सा प्रेशर है, पर ये आप ज़्यादा करेंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं लिख के दूँगी, मैं आप जाएं आप जो भी कर लो। उन्होंने उनका बहुत ही पार्शल और बहुत ही कहें कि हार्श रवैया था। अब अगर अदालत हुकुम देगी तो करवाएंगी आप उस हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने उन्हीं को हेड बना दिया था उस बोर्ड का पोस्टमार्टम के लिए, उसी खातून को हेड बनाया गया, जिसपे मैंने वहाँ जाके हेल्थ डिपार्टमेंट में फिर ये एप्लीकेशन डाली कि हम इन खातून को हटाना चाहते हैं, आप चेंज कीजिए, क्योंकि ये पार्शल है डे वन से। इनका प्रेशर, इनका बात करने का अंदाज़ हमारे साथ बहुत अजीब व गरीब है, जिससे हमको भी शकूक व शुबहात हो रहे हैं। एक चीज़ ये थी, मेरा इशू रिलीजियस ग्राउंड था, मेरे लिए हमेशा शरीयत मुकद्दम रही है। अगर तो बज़ाहिर शरीयत इजाज़त देती है नापसंदीदा हालात में पोस्टमार्टम करने की, नापसंदीदा हालात में आप किसी मुफ्ती का फतवा, जो मैंने लगाया भी है, मुफ्तियाने कराम से बात भी की, मैं खुद भी जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी हूँ, तो चीज़ें हैं मुझे पता है। और अगर इतना सा भी खदशा मर्डर का होता हमको, तो सबसे पहले हम होते जो कहते कि पोस्टमार्टम कराओ। कोई चीज़ खिलाने में भी कोई चीज़ हो सकती है, सामने आ जाती है ना, सामने आ जाती है वो छाप मेडिकली। आप अगर पढ़ें चीज़ें सब, क्योंकि जाहिर है हमने भी तो ऐसे ही नहीं रोका होगा ना पोस्टमार्टम हमारा, कोई उसमें देखें लोगों ने लिखा, मुझे तकलीफ़ भी हुई, लोगों ने लिखा कि कोई लालच या कोई करोड़ों की जायदाद और क्या क्या। पहली चीज़ है कि मैं खुद क्लेम कर रही हूँ कि मैं एक्स वाइफ,
मेरा आमिर की जायदाद में वैसे ही लीगली शरण कानूनन कोई हक नहीं है ना मुझे चाहिए। रही बात बच्चों की, पोस्टमार्टम हो या नहीं हो, बाप का जो होता है वो औलाद का होता है। तो फिर हमारा ये लालच वाला जो कनेक्शन बनाया गया ना, ये एक नहायत ही खसूसी बात थी। मुझे तकलीफ हुई, लोगों ने मुझे नेगेटिव मैसेजेस की, कोई बात नहीं। मेरा मामला ऐसा है कि मैं अभी एफआईए से आप क्या चाहती हैं, थोड़ा सा ये हमें बता दें। और उन्होंने आपकी दरख्वास्त वसूल कर ली है? बिल्कुल कर ली, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है उन्होंने। जी, पॉजिटिव रिस्पांस दिया है उन्होंने। और हम जो चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि इस पर फौरन एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये साइबर क्राइम बहुत ही शदीद हद तक साइबर क्राइम है, और ऐसे लोगों को फिलफौर सज़ा मिलनी चाहिए। ये काबिल गिरफ्त जुर्म है जो उन्होंने किया है, और अब वो उसको छुपाने के लिए इस इशू को डाइवर्ट कर रही हैं पोस्टमार्टम के केस में फरीक बनकर, ताकि डाइवर्ट ही हो जाए पूरा केस, क्योंकि इनके ऊपर थ्रू आउट शकूक व शुबहात सभी के थे।